हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर आदिल हेयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन बाय आदिल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटी पार्ट सिरप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेटी पार्ट सिरप को किन किन सिचुएशन में ये जो है वो यूज़ किया जाता है, या डॉक्टर किन किन डिजीज़ में जेटी पार सिरप का यूज़ करवाते हैं, या कौन लोग जेटी पार सिरप का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कौन लोग हैं जो जेटी पार सिरप का यूज़ नहीं कर सकते, या किस सिचुएशन में जेटी पार सिरप का यूज़ नहीं करवाया जा सकता। और इसके अलावा इसकी डोजेज के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ट्रीटमेंट विद मेडिसिन बाय आदिल, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ। सो जेटी पार सिरप के अगर कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका जो ब्रांड नेम है, यानी जिस नेम से आपको ये मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर मिल सकती है, तो ये जेटी पार इसका ब्रांड नेम है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे लिखा रहा है पॉपुलर केमिकल वर्क्स जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मेडिसिन है जेटी पार, जो कि शेखपुरा रोड पर वाक़ है। तो ये एक डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट है जेटी पार, जो कि लीवर हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए लीवर का उन्होंने बाकायदा एक डेमो बना के आपको दिया हुआ है। तो जो है वो लीवर हेल्थ के लिए जेटी पार सिरप जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी डोजेस के बारे में बात करेंगे और इंडिकेशंस के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी प्राइस मैं आपको दिखा सकूँ तो इसकी प्राइस तकरीबन 209 रुपये तकरीबन इसके सिरप है। जेटी पार सिरप की कीमत जो है 209 रुपये है। और इंडिकेशंस की अगर बात करें तो एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ के लिए जो है वो यानी जो पुरानी लिवर डिज़ीज़ है या सख्त जो लिवर डिज़ीज़ है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो लिवर के ज़ख़म में भी इसका जेटी पार का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फैटी लिवर में इसका इस्तेमाल, यानी जिगर पर अगर चर्बी वगैरह आ जाए या लिवर जो है आपका फैटी हो जाए तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जॉइंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। जॉइंट्स जैसा कि मैं पहले हैपोमर सिरप में बता चुका हूँ जॉइंट्स क्या होती है। जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स को हम पीलिया भी कहते हैं, जैसे हम पीला यरकान कहते हैं जॉइंट्स। सो जॉइंट्स से जो है ना वो आँखों में पीलापन सा आ जाता है और यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा पीला आता है। और बाज़ का तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, वॉमिटिंग या उसके अलावा कै वगैरह होती है। और इसके अलावा लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं इससे जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में इसके अलावा आंखें, आपकी आंखें पीली पड़ना और यूरिन का पीलान, और इसके अलावा आपकी जल्द भी पीली पड़ सकती है। और हत्ता के जॉइंट्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए, अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, तो इसमें जो है ना जॉइंट्स आपके कपड़ों तक भी पहुँच, मतलब पीला रंग जो है वो आपके कपड़ों को भी छू सकता है। और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग में भी जो है वो इसका यूज़, जॉइंट्स की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें भी जेटी पार का यूज़ किया जाता है। तो ये थी इसकी इंडिकेशंस। और इसके अलावा लीवर हेल्थ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी जिनके लिवर जो है वो फैटी होते हैं, तो उनमें स्मोकिंग की वजह से जिनके लिवर फैटी होते हैं वो भी जेटी पार का यूज़ कर सकते हैं। सो इसके डोज़ की बात करें तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि एडल्ट्स में 2 टीस्पून जो है वो फुल टीस्पून जो है वो 3 to 4 times अ डेली, चिल्ड्रन यानी मतलब एडल्ट्स में 2 टीस्पून जो है वो दिन में 3 से 4 मरतबा आप दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात आप दे सकते हैं। और चिल्ड्रन में जो है वो 6 to 12 years के बच्चों में जो है 1 टीस्पून 3 to 4 times आप डेली दे सकते हैं, यानी दिन में 3 से 4 मरतबा 1-1 चम्मच जो है टीस्पून का वो आप 6 से 12 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। और इसके अलावा 3 से 6 साल तक के बच्चों का आप जो है वो 1/2 टीस्पून दिन में 3 से 4 मरतबा जो है वो डेली दे सकते हैं।
जेटीपार सिरप जो है वो सिर्फ़ सिरप फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि ये इंजेक्शन फॉर्म में और इसके अलावा जो है वो अपना टेबलेट फॉर्म में भी जेटीपार सिरप जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी मौजूद है। इंजेक्शन फॉर्म और सिरप फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में भी जेटीपार जो है वो सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स जो है वो यूज़ करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी कौन लोग हैं जो जेटीपार का यूज़ नहीं कर सकते या किस सिचुएशन में जेटीपार सिरप का यूज़ नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी में इस जेटीपार सिरप का यूज़ जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो करवाया जाता है, डॉक्टर से पूछ के इस सिरप को या टेबलेट को या इंजेक्शंस को यूज़ करवाया जाता है। प्रेगनेंसी में इस ड्रग का यूज़ करना सेफ नहीं है। हाँ, डॉक्टर अगर कहे तो, प्रेस्क्राइब करे तो आप इस इंजेक्शन का या सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्सर्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता, और इसके अलावा जो है वो जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस सिरप का यूज़ जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। इस जेटीपार का या इंजेक्शन का या टेबलेट का यूज़ जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये थे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दी, इंडिकेशंस भी बता दिए, यूसेज बता दिए आपको। अगर आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो ये इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच जाए और लोग इससे जो है वो बेनिफिट्स हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते जाएं, और साथ में बेल आइकन के बटन का जो एक लोगो सा बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल जाया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।